हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हम सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहितम सिंह हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाइट कोट सेरेमनी के बारे में, कि ये जो व्हाइट कोट सेरेमनी होती है ये एक्चुअल में होती क्या है, कब होती है, किन किन बच्चों के लिए होती है और इसमें करना क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं या फिर इसके कुछ लॉस होते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि एक्चुअल में व्हाइट जो कोट सेरेमनी है वो होती क्या है, किस किस बच्चों को करनी होती है, फ्रेशर्स को करनी होती है या फिर अपने जो पास आउट है उनको करनी होती है। तो पहले ये आपको ये व्हाइट वर्ड से पता लग गया होगा, यानी कि व्हाइट मीन यानी कि सफेद। जो सफेद कोट कौन पहनते हैं, मोस्टली आपको पता है डॉक्टर्स पहनते हैं। तो जो व्हाइट कोट सेरेमनी होती है, जितने ही बच्चे जो है डॉक्टर्स बनने के लिए एडमिशन ले चुके हैं कॉलेज के अंदर, चाहे वो एमबीबीएस के लिए एडमिशन लिए, चाहे उन्होंने बीएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए, किसी भी कोर्स के लिए अगर आपने डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन लिए कॉलेज के अंदर, तो कॉलेज के अंदर जो आपकी व्हाइट कोट जो है वो सेरेमनी करवाई जाती है। ये जो सेरेमनी होती है ये फ्रेशर्स वाले बच्चों के लिए होती है, पास आउट वाले बच्चों के लिए नहीं होती। जो बच्चे फ्रेशर्स होते हैं यानी कि जिन्होंने हाल ही में अभी अभी एडमिशन ली होती है, उनके लिए जो है व्हाइट कोट सेरेमनी जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। तो एक्चुअल में इसके अंदर होता क्या वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद 10 दिन, 15 दिन या एक महीने के बाद आपके लिए एक व्हाइट कोट जो सेरेमनी रखी जाती है। तो इस सेरेमनी के अंदर जो आपको व्हाइट कोट जो वो पहनाया जाता है, और ये जो व्हाइट कोट है या तो आपको आपके सीनियर्स द्वारा पहनाया जाएगा आपको, तो इसके लिए एक फंक्शन रखा जाता है, या फिर आपके जो कॉलेज के सीनियर टीचर्स होते हैं या डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजमेंट के हो गए, उनके द्वारा जो है ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज जो की जाती है वो आपको जो आके व्हाइट कोट जो वो पहनाते हैं। अब इस व्हाइट कोट को पहनाने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है हर जितने भी हमारी फील्ड्स होती है, जैसे आप पुलिस की ले लो या फिर कोई फायर ब्रिगेड की ले लो, हर किसी की कोई ना कोई यूनिफॉर्म होती है जिसे हमें इंडिकेट करते हैं कि जैसे उन्होंने अपना, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर है तो पुलिस इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पे स्टार्स लगे होते हैं या फिर उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो अपनी खाकी कलर की होती है, तो हमें पता चल जाता है ये जो इंसान है ये पुलिस वाला है। तो उसी तरह डॉक्टर के लिए एक जो उसके सबसे स्पेशल चीज होती है वो होता है उसका कोट। जिस भी बंदे ने कोट पहना होता है व्हाइट कोट, तो जिसे हम ये अज्यूम करते हैं, ये पता लग जाता है हमें कि ये जो बंदा है वो डॉक्टर ही है। तो ये व्हाइट कोट यही इंडिकेट करता है कि यू आर ए डॉक्टर। तो कोई भी जिसने भी ये व्हाइट कोट पहना होगा उसे ये इंडिकेट पता लग जाता है कि ये बंदा जो है वो डॉक्टर है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। अब ये सेरेमनी के अंदर क्या होता है मैं वो भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस सेरेमनी के अंदर क्या किया जाता है, जितने भी मैनेजमेंट के बंदे या फिर आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको कोट पहनाते हैं वन बाय वन करके, आपके लिए पिक्चर्स क्लिक होती हैं, फंक्शंस आपके लिए रखा जाता है। तो काफी अच्छा एक मूवमेंट होता है, क्योंकि हम बचपन से इस दिन का वेट करते हैं कि कब हम कॉलेज में जाएंगे, कब हम डॉक्टर बनेंगे। तो फर्स्ट डे उस टाइम पे आपको जो है व्हाइट कोट पहनाया जाता है। जब आप ये कोट पहनोगे किसी अपने सीनियर के हाथों से या फिर अपने मैनेजमेंट के बंदों से, तो आपको एक अलग ही फील आएगा, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत प्राउड मोमेंट आपके लिए आएगा, क्योंकि बहुत मुश्किलों, बहुत परेशानी के बाद हम यहाँ पे पहुंचे हैं। पहले 10th क्लियर की, फिर 12th क्लियर की, फिर नीट क्लियर किया, फिर उसके बाद जाके आपको कहीं ना कहीं जो एडमिशन मिलता है। तो ये मोमेंट आपको कभी भी जो अपनी लाइफ के अंदर स्किप नहीं करना है। अब ये कुछ मैं चीज थोड़ी सी और आपको बता देता हूँ। कुछ कॉलेजेस के अंदर तो व्हाइट कोट सेरेमनी नहीं की जाती, वैसे तो ऑलमोस्ट हर कॉलेज के अंदर व्हाइट कोट सेरेमनी ऑर्गेनाइज की ही जाती है, चाहे वो आप बीएमएस कर रहे हो, चाहे आप एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे आप बीएचएमएस कर रहे हो, जितने भी मेडिकल के कोर्सेज डॉक्टर के लिए होते हैं उन सबके अंदर इस चीज को ऑर्गेनाइज किया ही जाता है। बाकी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, लेकिन बहुत कम कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे इस चीज को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि आप अपने व्हाइट कोट जो वो पहन लीजिए। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा कि इसके अंदर जो व्हाइट कोट है वो हमें खुद लेके जाने होते हैं या फिर उधर से दिए जाते हैं। देखो बच्चों, ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज के ऊपर, आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको जो फर्स्ट टाइम पे जो कॉलेज है वो खुद आपको प्रोवाइड करता है व्हाइट कोट, आपका जो है वो मेजरमेंट ले ली जाती है कि आपके किस किस साइज के जो कॉलेज के कोट जो है वो व्हाइट कोट बनने चाहिए, उस पर आपका नाम लिखा होता है या फिर आपको बैच दिया जाता है, उस बैच के अंदर सब कुछ आपका लिखा होगा कि आप कौन से ईयर के हो, क्या नाम है आपका। तो ईच एंड एवरीथिंग वो डिटेल है, वो आपको सब कुछ कोट प्लस बैच आपको कॉलेज ही प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं ऑर्गेनाइज सेरेमनी तो कर देते हैं, उसके बाद आपको बोलते हैं कि आप अपना व्हाइट कोट जो है घर से लेके आए। तो ऐसे में जितने बच्चे हॉस्टल में जाने वाले हैं तो अपना व्हाइट कोट जो है अपना एक एक जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि पता नहीं आपके कॉलेज वाले आपको खुद से प्रोवाइड करेंगे या नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर नहीं भी प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास अपना एक कोट तो होना ही चाहिए, ताकि अगर वो ऐसी सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते तो वो आपको बोल देते कि आप अपना कोट जो वो घर से ले आना, तो आप उन्हें दे सको, तो वो आपको क्या करेंगे, वो हैंड ओवर करेंगे, वहां पे आपको स्टेज पर जो है वो आपको पहनाया जाएगा। अब इस व्हाइट कोट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है वो भी आपको समझ लेना चाहिए थोड़ा सा। इस व्हाइट कोट का मतलब होता है कि हम अपने काम, लक्ष्य जो हमें दिया जाएगा, हम जिसके प्रति हमें डॉक्टर बन रहे हैं, वो सारा का सारा काम हम अच्छे से करेंगे, अपनी पूरी ईमानदारी से करेंगे। कभी भी हम अपने काम से, अपने लक्ष्य से, अपने एम से जो है वो भटकेंगे नहीं। ये व्हाइट कोट हमें ये रियलाइज करवाता रहेगा, यू आर ए डॉक्टर, आपका काम है लोगों की सेवा करना, उन्हें
ठीक करना, जितना हो सके उनको प्रोत्साहित करना, यानी कि उन्हें मोटिवेट करना, जितना जल्द हो सके आप उनको अपने पास रख के आप उन्हें ठीक कर सको। जितना एफर्ट्स आप कर सकते हो उतना एफर्ट आपको जो वो करना ही चाहिए। इस तरह से आपको कुछ जो है वो समझाया जाता है फंक्शन के अंदर, सेरेमनी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने अपने कॉलेज में जाके पता लग ही जाएंगी। तो मेनली ये बताने का ये मोटिव था कि जो व्हाइट कोट होता है वो आपको ये रियलाइज करवाता रहता है कि आपका काम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका एम क्या है, आपके गोल्स क्या है, जिससे आपको कभी भी लाइफ के अंदर उसके चीज़ से, उस गोल से, उस एम से जो वो भटकना नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है। कभी भी, मैं तो यही आपको बोलूँगा कि इस मोमेंट को कभी भी स्किप ना करें। ये आपका स्टार्टिंग बैच होगा, जितने भी आपके आसपास फ्रेंड्स होंगे, आपकी ग्रुप्स फोटो होंगी, फर्स्ट टाइम आप कोट पहनोगे, तो काफ़ी अच्छे वाला मोमेंट होता है। तो कोशिश करें कि आप सारे के सारे जो बच्चे हैं इस सेरेमनी के अंदर जो पार्टिसिपेट करें। बाकी इसी तरह की और सारी वीडियोज आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेंगी। आने वाले आपके कोर्सेज के रिलेटेड, पीजी के रिलेटेड, कोई एग्जाम टेस्ट के रिलेटेड, कोई गवर्नमेंट टेस्ट के रिलेटेड, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपका भाई आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहेगा। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो अभी डॉक्टर बनने वाले हैं या फिर रिसेंटली डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये चीज बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि व्हाइट कोट सेरेमनी भी एक ऐसी चीज होती है। तो बाकी आप ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।